का स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ करेंगे। जी हां, राजस्थान में कोरोना अपडेट आज आपको हम बता रहे हैं। लगातार जो है कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है ये चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। राजस्थान में फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। 109 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। दौसा और करौली जिले में ये दोनों मौतें दर्ज की गई हैं। प्रदेश में कोविड एक्टिव केस की संख्या 891 पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति की ओर बढ़ता कोरोना संक्रमण एक बार फिर से राजस्थान में, जब बीते 24 घंटे में 109 कोरोना नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने की जानकारी भी मिल रही है। दौसा और करौली में ये 2 मौतें हुई हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, चिंता का सबब बनता जा रहा कोरोना संक्रमण एक बार फिर से जो है, जो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कुछ ये आंकड़े कहते नजर आ रहे हैं? अभिनव, देखिए लगातार अगर पिछले 2 सप्ताह का पूरा के पूरा डेटा देखते हैं राजस्थान का, तो तेजी से राजस्थान के अंदर जो कोरोना के नए आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और चिंता की बात है कि अब कोरोना संक्रमितों की मौत भी होती हुई नजर आ रही है। आज की बात करें, प्रदेश में 2 जिलों में एक एक मौत होती हुई नजर आई है। दौसा की बात करें, करौली की बात करें, यहाँ एक एक कोरोना संक्रमित की मौत दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश की बात करें, 100 से ऊपर लगभग हर दिन अब नए जो केसेस हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ राजधानी बल्कि दूसरे जो जिले हैं, अजमेर की बात कर लें, आज 8 मामले नजर आए हैं। बीकानेर में 24 मामले नजर आए हैं। राजधानी जयपुर में 29 मामले नजर आए हैं। जोधपुर में जो 10 संक्रमित है वो दर्ज किए गए हैं। और एक्टिव केसेस की संख्या जो 200 और 300 के आसपास थी वो अब बढ़कर पूरे राजस्थान के अंदर 821 में हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट की बात करें, बहुत ज्यादा इसको लेके अभी तक जो चिंता है वो जाहिर नहीं की गई है, लेकिन दबे पांव जिस तरीके से कोरोना संक्रमण राजस्थान में फैल रहा है और आने वाले दिनों में अगर ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए अभी बारिश का सीजन चल रहा है और इस बारिश के सीजन के बाद में जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी संख्या भी, उनके मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। चाहे वो हम डेंगू की बात कर रहे हैं, मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। प्रदेश के तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहाँ ओपीडी में संख्या बढ़ेगी। और साथ में कोरोना संक्रमण की जो बढ़ती हुई चिंता है, ये राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़े टारगेट के तौर पर होगी। हालांकि स्वास्थ्य महकमे ने स्क्रीनिंग की बात करें, सैंपलिंग की बात करें, संख्या बढ़ाने की बात कही है, लेकिन इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता जिस तरीके से पिछले 2 सप्ताह के अंदर राजस्थान में केसेस बढ़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के कारोबारियों के